हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेट एयरपोर्ट से एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो गाइज, सबसे पहले आप सभी को पता है कि क्वेट में चेकिंग किस तरह का चल रहा है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। तो चेकिंग जो चल रहा है ये बस इसलिए चल रहा है, जितने सारे लोग क्वेट में इलीगली है उन सभी लोगों को पकड़ने के लिए ही चेकिंग चलाया जा रहा है। क्वेट में कुछ ऐसा भी एरिया है जिसको पूरा तरफ से क्लोज करके चेकिंग चलाया जा रहा है। तो ये चेकिंग में कुछ ऐसा लेडीज लोगों को पकड़ा गया है जिनके पास बच्चे है लेकिन वो अनमेरिड है, एंड ऑल्सो ऐसे लेडीज लोगों को पकड़ा गया है जो गलत काम करते हैं, जो दांदा का काम करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या काम करते हैं। तो गाइज, अभी बात करते हैं जो एयरपोर्ट से जो लेटेस्ट अपडेट आया है। एयरपोर्ट के बाहर से कुछ गाड़ियां पकड़ा गया है, प्राइवेट कार ड्राइवर्स लोगों को पकड़ा गया है जो काम ये करते थे कि अपना प्राइवेट गाड़ी को यूज कर रहे थे टैक्सी का जैसा। वो लोग एयरपोर्ट के बाहर में खड़ा हो जाते थे, जो भी पैसेंजर आता था वो लोग लेके उनको ड्रॉप कर देते थे या किसी को लेके वो एयरपोर्ट चला जाते थे। सेम टैक्सी का जो काम है वो लोग अपना प्राइवेट कार से ही कर रहे थे, जिसके कारण उन लोगों को पकड़ा गया है। तो अगर आप में से भी कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि ये काम इलीगल है कुवैत में। ये बस टैक्सी ड्राइवर लोगों को अलाउ है, और नॉट ओनली एयरपोर्ट, अगर कुवैत में आप किसी भी एरिया में ऐसा काम कर रहे हैं, आप किसी को ड्रॉप पिकअप करने का काम कर रहे हैं विदाउट टैक्सी लाइसेंस, ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो गाइज, आज के वीडियो में बस आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देना था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।